हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ सॉल्ट व्हिच गिव्स CO2 विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड आल्सो डीकलराइजेस एसिडिफाइड KMnO4 ऑन वार्मिंग इज। चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ब्रोमाइड, कार्बोनेट, ऑक्सलेट या फिर एसीटेट। तो देखिए यहाँ पर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात कर रहे हैं, तो ये सॉल्ट जो होगा, देखिए CO2 रिलीज कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि एसिटेट के साथ तो नहीं करेगा CO2 रिलीज। ठीक है, एसिटेट के साथ तो ना आपका एसिटिक एसिड बनेगा, वेपर्स ऑफ विनेगर आएंगे, तो डी ऑप्शन तो आप रूल आउट कर सकते हो। ठीक है, ब्रोमाइड के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो ब्रोमीन गैस निकलेगी, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, CO2 तो नहीं निकल सकती, सो अगेन ए ऑप्शन रूल आउट कर सकते हो। आपके पास बचता है कार्बोनेट एंड ऑक्सलेट। ठीक है, कार्बोनेट एंड ऑक्सलेट, बोथ कार्बोनेट और ऑक्सलेट दोनों ही सॉल्ट जो है, कार्बोनेट आपका ग्रुप ए का है, ऑक्सलेट आपका ग्रुप बी का है, बट दोनों ही सॉल्ट हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को रिस्पॉन्ड करेंगे एंड CO2 गैस प्रोड्यूस करेंगे। बट अब इसमें से कौन सा KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा वो देखना है। एसिडिफाइड KMnO4 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसके साथ रिएक्ट करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। कार्बोनेट होता है CO32 नेगेटिव, यहां पर जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +4। कार्बोनेट अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑक्सलेट होता है C2O4 2 नेगेटिव, यहां पर अगर हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें सो इट इज कितनी आएगी, ये आएगी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, यानी कि इसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है फर्दर। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है फर्दर, सो यानी कि कार्बोनेट को अगर ऑक्सीडाइज ही नहीं किया जा सकता तो इसका रिएक्शन एसिडिफाइड KMnO4 से होगा ही नहीं, सो बी ऑप्शन रूल आउट है, ओनली सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। तो एक बार इसके रिएक्शन स्कीम देख लेते हैं, सो देन वी विल मूव ऑन। सो KMnO4 में क्या होगा, MnO4 रिएक्टिव स्पीशी है, एसिडिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट होता है हमारा, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 4H2, यहाँ 8H+, चार्ज बैलेंस करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। ऑक्सलेट जो होता है C2O4 2 नेगेटिव, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में ऑन द रिएक्शन विद पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसको बैलेंस करेंगे यहाँ से और यहाँ पर चार्ज बैलेंस कर देंगे, दो रिएक्शन से इस तरीके से होगा, इनको क्लब कर देंगे तो फाइनल आ जाएगी। सो फॉर दैट इट इज नॉट नीडेड, बट द ओनली थिंग वी हैव टू नो कि ऑक्सलेट आपका एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट होता है, CO2 में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से सॉल्ट विच गिव्स CO2 विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑल्सो डीकलराइजेस। अब डीकलराइज क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये पर्पल कलर के एसिडिफाइड KMnO4 को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, सो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।